शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे लेकिन हमको बहुत सारी आजादी चाहिए। किससे? असफलताओं से, निराशा से। तो मतलब लड़ाई तो हमारी हर दिन है, लड़ाई हमारी हर दिन है। और कोई भी लड़ाई को जीतने के लिए हमको जो है सबसे बड़ी चीज जो चाहिए होती है वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। के जिसको लेके मैंने आपसे हमेशा कहा है कि हम जो है वो बहुत कैजुअल भी हो सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, हमारी एनर्जी बिखर जाती है। जब हम अनुशासित होकर रहते हैं, जब हम एक डिसिप्लिन में काम करते हैं, तो हमारी सब एनर्जी जो है एक जगह पर लगती है और हम अपनी मंजिल को पा लेते हैं। हमें समाज के तौर पर, व्यक्ति के तौर पर और अपने स्वयं के रूप में भी हमको जो है वो आज़ादी चाहिए। असफलताओं से आज़ादी चाहिए हमको, अपने डर से, भय से। और हमें जो है बहुत कुछ जो है वो, मतलब मैं कहता हूँ कि यदि आसमान की उम्मीद कर सकते हो तो आसमान की उम्मीद कीजिए, क्योंकि जब आप उम्मीद करेंगे तभी आप हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो अनुशासन जो है पहली सीढ़ी है, डिसिप्लिन पहली सीढ़ी है, जिसको लेके मैं हमेशा बहुत गंभीर रहता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि देखो बेटा, पूरी जिंदगी पड़ी है सब तरह के मजे उठाने के लिए, लेकिन यही वो समय है जिस समय में आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो आज हम ये प्रण लेते हैं कि अगला वाला 15 अगस्त आप अपने मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है वो सेलिब्रेट करें, यदि टाइम पर काउंसलिंग वगैरह होती, कम से नहीं तो 26 जनवरी नेक्स्ट वाला करेंगे सेलिब्रेट। ठीक है, मतलब ये है कि आपको जो है वो अब दोबारा कोचिंग क्लासेस की बेंचेस में या वहां नहीं बैठना है। नेक्स्ट ईयर आप मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम के अंदर, लेक्चर थिएटर के अंदर आप होना चाहिए। चलो फिर ताली बातें जोरदार अपने। चलो तो ठीक है, 15 अगस्त का सेलिब्रेशन अपना हो गया। तुम लोग सभी लोग यहाँ तक आए अपना सब कीमती समय निकाल के, तो उसके लिए धन्यवाद। और आप सभी लोगों के लिए ब्रेकफास्ट का प्रबंध MNG कहाँ किया गया है? स्टडी जोन।